खुशी है इस बात की कि जिस आंदोलन, जिन बातों को लेकर के समाजवादी लोग कई मौकों पर बात रखी है, उन्हीं चीजों को समाजवादी पार्टी है इस चुनाव में, जो सबसे बड़ा चुनाव होने जा रहा है देश का, न केवल देश बल्कि दुनिया की नजर है कि आखिरकार उत्तर प्रदेश का परिणाम क्या होगा। और हमें अब आज भरोसा है, बहुजन समाज पार्टी, समाजवादी पार्टी, आरएलडी, निषाद पार्टी और हमारे जनवादी पार्टी के आ जाने के बाद उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा परिवर्तन दिखाई देगा। जो 74 की बातें करते थे, अब उन्हें सोचना पड़ेगा कि उनका खाता कहां खुलेगा। एक के अलावा मुझे नहीं लगता कोई खाता खोल पाएंगे। भारतीय जनता पार्टी के जो मुद्दे हैं, अभी तक जो सुनने में आ रहा है उनके मुद्दे, केवल विपक्ष, फिर विपक्ष, विपक्ष और चौकीदार के अलावा मैं नहीं समझता हूं कोई मुद्दे पे बात कर। तो आज फिर कहता हूं कि जनता इंतजार कर रही है कि कब मतदान करने का मौका मिलेगा। इस प्रदेश और देश का किसान, नौजवान, व्यापारी, अल्पसंख्यक, दलित, पिछड़े और भारी संख्या में निराशा जो फैलाई है, वो तमाम लोग इकट्ठे होकर के इस भारतीय जनता पार्टी को सबक सिखाने के लिए तैयार हैं। हमारी समाजवादी पार्टी की टीम अध्ययन कर रही है कि आखिरकार पढ़ाई और रोजगार से वंचित करने के लिए ये जो साजिशें हो रही हैं, उसका अध्ययन कर करके हम आपके सामने भी उन बातों को रखेंगे। आखिरकार ये साजिश क्यों हो रही है और कौन लोग कर रहे हैं। पढ़ाई ना हो पाए, रोजगार ना मिल पाए, इसका अध्ययन कर करके बहुत जल्दी आपके बीच में भी हम समाजवादी लोग बात रखेंगे। वहीं हमारी टीम इस बात का भी अध्ययन कर रही है कि बहुत बड़े पैमाने पे गरीबों की योजनाएं चल रही हैं, समय समय पे योजनाएं बनती हैं, बदलती हैं, लेकिन अभी भी गरीब खुशहाल नहीं हो पाया है। और उत्तर प्रदेश की समाजवादी सरकार ने कभी कभी उधावी जो वादे होंगे उसमें शामिल करने का काम करेंगे। एक बार फिर मैं डॉक्टर संजय निषाद जी का, डॉक्टर संजय चौहान जी का और उनके तमाम सहयोगी साथियों को बधाई देता हूं इस महागठबंधन की मदद और सहयोग के लिए। जैसे जैसे चरण के चुनाव आएंगे, वैसे वैसे सूची आपको मिलती रहेगी। जैसे मैंने आपसे कहा था कि 2 शपथ लेकर के 2.5 लोग देश को चला रहे हैं, तो आधा आप तय कर लो कौन है। इसीलिए मैंने कहा आपसे, उत्तर प्रदेश में समाजवादी सरकार ने उदाहरण पेश किया था। याद कीजिए वो समय जब बुंदेलखंड में बड़े पैमाने पे सूखा थी, उस समय पहली बार इस तरह का घी का इंतजाम किया गया था और साथ ही साथ चावल का भी इंतजाम कर दिया गया था, दूध का 1 किलो का मिल्क पाउडर का भी इंतजाम कर दिया गया था और कड़वा तेल का भी इंतजाम कर दिया गया था, समाजवादी पेंशन भी दे दी थी और समाजवादी सरकार में जो लोहिया आवास मिलता था वो 3,05,000 का आवास मिला करता था। तो अगर इन सब चीजों को शामिल कर लें, इसीलिए मैंने कहा कि समाजवादी पार्टी ने उदाहरण पेश किया है गरीबों की मदद करने का और देश में इकलौती योजना चलाई थी समाजवादी लोगों ने, समाजवादी पेंशन, जिसमें 500 रुपया प्रति महीना महिला सदस्य को मिलती थी उस परिवार की, और उसी की नकल कर करके अभी बीजेपी ने प्रधानमंत्री जी से बटवाया गोरखपुर में किसानों को 500 रुपया। ये 500 रुपया वो बचत कर करके लाए हैं जिसमें खाद का 5 किलो काटा था, वो बचत का पैसा दिया है, अभी कोई मदद नहीं की है। इसलिए चुनाव से पहले कभी किसी ने 15 लाख कहा था, वो 15 लाख नहीं मिले। अब जो बात आई है सामने, इसीलिए मैंने कहा कि समाजवादियों का उदाहरण था। 3,05,000 का गरीबों का घर कौन देता था जिसमें सोलर पैनल होता था, कम से कम गरीब टीवी भी देख ले, मोबाइल भी चार्ज कर ले। इसीलिए मैंने कहा कि समाजवादी पार्टी अध्ययन कर करके ऐसा गरीब के लिए समाजवादी पैकेज लाएगा
जिससे कि गरीब खुशहाल हो और सम्मान का जीवन जी सके। और समाजवादियों के बारे में ये मानना है कि कथनी और करनी में भेद नहीं है, हमारे पास एग्जाम्पल है, समाजवादी पेंशन का एग्जाम्पल है। और उसमें यह भी तय किया गया था, क्योंकि हमारे बगल में डॉक्टर संजय निषाद, डॉक्टर संजय चौहान बैठे हैं, उसमें गरीबों को आबादी के हिसाब से योजना मिल रही थी, जिसमें अल्पसंख्यक को 20% पेंशन देने का काम भी चल रहे थे। तो अगर कोई योजना चले तो वो योजना ऐसी हो, सभी को मिले, तभी तो होगा कि सबका साथ सबका विकास। पता लगा कुछ को मिल गया, कुछ को छूट गया, इसलिए आबादी के हिसाब से भी वो योजना चलाई थी। कुछ लोग उसमें गए थे कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तक चले गए थे, लेकिन आपको याद होगा हाई कोर्ट ने भी, हम सम्मान करते हैं हाई कोर्ट का, कि हाई कोर्ट ने भी हमारी सरकार की योजना को वैसा ही लागू करने के लिए सलाह दी, और सुप्रीम कोर्ट ने यहां तक कहा कि इससे सुंदर योजना गरीबों के लिए नहीं हो सकती है, और खासकर हमारी माताओं बहनों के लिए वो योजना हमने शुरू की थी। इसलिए जो हम कहेंगे समाजवादी लोग, वो लाखों में भी हो सकती है, और समाजवादी लोग तो देने का काम करते हैं, मदद करने का काम करते हैं। लैपटॉप भी एक उदाहरण है। तो जो पैकेज होगा, घर हो, बिजली हो और थोड़ा पेंशन की खुशहाली वाली हो, वो पूरा पैकेज समाजवादी लोग देंगे। अध्ययन के बाद हम आपके सामने आएंगे कि गरीबी क्यों है और गरीब कौन है, ये तो आप सब जानते हैं। अगर देश की तुलना हम दुनिया में दूसरे देशों से करें तो हमारे अगल बगल रहने वाले जो लोग हैं उनके बीच में 30 साल 25 साल में कितनी खुशहाली आ गई है। अगर कुछ देशों को देखें तो वर्ल्ड वॉर टू में पूरा का पूरा जमीन पर डाल दिए गए थे वो देश, लेकिन आज सोचो वो दुनिया में कहां खड़े हैं। तो हमारा देश भी आगे बढ़ सकता था, जो गलत नीतियों से चला, और एक गलत नीति नहीं है, बहुत सारी हैं, उसमें हम इसलिए बहस नहीं करना चाहते। मान लीजिए शिक्षा वित्त योजना किसकी है, केंद्र ने शुरू की, प्रदेश के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं, हमने उनको सम्मान दिया शिक्षा मित्रों को, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें धोखा दिया, उनसे वोट ले लिया, बाद में उन्हें धोखा दे दिया। इसलिए जो योजना बने पक्की योजना बने, प्रदेश सरकार बनाए या केंद्र सरकार बनाए, जो योजना बनाए वो पक्की योजना बने। अब बता, सवाल आ गया चौकीदार का, हमारे चौकीदारों का अगर किसी ने सम्मान बढ़ाया है, आप आंकड़े देखिए। मैंने आपसे कहा कि समाजवादी पार्टी अध्ययन करेगी, पहले बात उनकी खत्म हो जाए, नहीं बेचैन है वो। तो चौकीदार का सबसे ज्यादा सम्मान अगर किसी ने किया तो नेताजी ने किया, और उसके बाद समाजवादी लोगों ने उनका सम्मान किया। बेचारे चौकीदार यहां आते हैं, आंदोलन करते हैं, उनको लाठी किसने मारी, अपमानित किसने किया, मानित अगर किसी ने सबसे ज्यादा की। शौचालय थे वो एक गड्ढे वाले शौचालय थे, बीजेपी ने बदल दिया वो शौचालय, वो दो गड्ढे वाला शौचालय बना दिया। न कांग्रेस ने पानी दिया, न भारतीय जनता पार्टी ने शौचालय में पानी दिया, और बिना पानी के शौचालय जाओ कैसे, हमारे पत्रकार साथी वहां बैठे हैं, बताए हमें ये। इसलिए हमारी बात सुनिए कि जब समाजवादी आवाज दिया लोहिया आवाज, 3,05,000 का दिया, और अभी खजांची आप भूल गए होंगे, बीजेपी वाले भूल गए, वैसे आप भी भूल गए, वैसे तो लोगों की जान गई नोटबंदी में, लेकिन एक बच्चे ने जन्म लिया बैंक में, उसका नाम रखा गया खजांची, और वो एक उदाहरण है कि गरीब को घर के छत पे पानी की टंकी है, सोलर पंप है, और उसमें सोलर पैनल है जिससे एलईडी बल्ब और पंखे चल सकते हैं। हम गरीब को ऐसा घर और समाजवादी पेंशन और उसकी पढ़ाई और रोजगार का इंतजाम करेंगे। इसीलिए हम कह रहे हैं कि अध्ययन के साथ आएंगे, हम ऐसे ही कोई बात नहीं कह देंगे, पैसे की कोई कमी नहीं है, घर हो उसका, एक घर हो गरीब का, और उसके पेंशन कुछ हो, इसलिए ऐसा इंतजाम समाजवादी लोग करेंगे। बहुत जल्दी उस अध्ययन कर करके उस बात को हम कहेंगे आपके बीच। देखिए इस लड़ाई को हम बहुत अच्छी तरह समझते हैं, देखिए ये सब चीज़ें बहुत अच्छी तरह हम समझते हैं, इसलिए कोई जवाब नहीं देंगे। भाई मुकदमे दोनों पे पहले से हैं,
हमें क्या लिखवाना है? मुकदमा दोनों में पहले से है? अगर ना हो मुकदमे दोनों पे से पहले बताइए आप, बस केवल कार्रवाई होनी है। मुकदमे दोनों लोगों पे हैं कि नहीं है, तो आप दोनों के मुकदमे दिखाइए। जो चुनाव आयोग को दोनों ने अपना लिख करके दिया है तो आप दिखाइए उसको। इसीलिए मैंने कहा कि देखिए भाजपा के प्रचारक कौन हैं, राज्यपाल हैं, सरकारी एजेंसियां हैं और आप लोग नहीं हैं। भाजपा के प्रचारक कौन कौन हैं फिर मैं बता रहा हूं आपको। इसीलिए मैंने सुबह सुबह ट्वीट किया था जिससे आप लोगों की जानकारी में आ जाए। मैंने ये कहा कि भाजपा के जो प्रचारक हैं उनमें से राज्यपाल महोदय भी हैं। ये तो हमें खुशी है इस बात की कि राज्यपाल महोदय किसी घटना को अभी देखने गए हैं, जो घटना हुई थी लखनऊ में। हालांकि लखनऊ में बहुत घटनाएं हो रही हैं, और जब हम और आप बैठे हैं तो आप अखबारों के माध्यम से जानकारी मिल रही, अभी भी किसान आत्महत्या कर रहे हैं जिनका कर्ज माफ नहीं हुआ है। इसलिए आप समझ लीजिए, MSP की बात की, जाने क्या क्या बातें की, वादा नहीं पूरा हुआ। इसलिए समाजवादी लोग जो अध्ययन के साथ कहेंगे वो पूरा करने के लिए कहेंगे। वैसे मैं आपको जानकारी दे दूं, हमें दिखाना नहीं है कि हम किन किन भगवानों को दिल में रखते हैं। हम सब भगवानों को दिल में रखते हैं। जब कड़गड़ में भगवान तो फिर हम क्या एक दो भगवान से, हमारे सब भगवान हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोग ऐसे हैं जो शिलान्यास का शिलान्यास करते हैं, और हम आपसे पूछना चाहते हैं कि बताइए बिना टेंडर के शिलान्यास कैसे हो सकता है? बिना टेंडर के आप ये बताइए काम कैसे शुरू हो जाएगा मेट्रो का? ओमकार राजभर जी कम से कम ऐसे मंत्री हैं जो सरकार की सच्चाई बता रहे हैं, थाने में क्या चल रहा है उसके बारे में बता रहे हैं, पुलिस कितना ले रही है उसके बारे में रेट बता रहे हैं, समय समय पर वो सच्चाई बताते हैं। केवल एक ही मंत्री सरकार में है जो कम से कम सच तो बोल रहे हैं, तो इसलिए सरकार में उन्हें रहने दो, आप उन्हें तकलीफ मत पहुंचाइए। सबसे बेहतरीन कैंसर इंस्टीट्यूट अगर बनाए गरीबों के लिए तो वो समाजवादी सरकार ने बनाया। SCL में जो आज हजारों नौजवान नौकरी पा रहे हैं, जो बाहर काम कर रहे थे, 5,000 से ज्यादा इंजीनियर्स नौकरी पा गए SCL में। अमूल का प्लांट समाजवादी लोगों ने लगाया, अक्षय पात्रा का समाजवादी सरकार में लगा, आपका पुराने लखनऊ को सुंदर बनाने का काम समाजवादी सरकार में हुआ, नए मेडिकल कॉलेज सरकार के बने लखनऊ में, बाईपास बने लखनऊ में, आगरा लखनऊ एक्सप्रेस बना लखनऊ में, और लोक भवन भी बना लखनऊ में। तो इसलिए हम कहना चाहते हैं IPL और वो जो T20 होता है नहीं, मैं इसीलिए देखना चाहता हूं लखनऊ के लोग जात पात पे वोट देंगे कि विकास पे वोट देंगे। मैं उसका रिस्क ले लूंगा चाहे किसी को मुझे लड़ाना पड़ेगा। जहां जहां समाजवादी पार्टी लड़ रही है, और इसलिए आप समझ लीजिए नौजवान साथियों, सबसे ज्यादा लैपटॉप किसी ने बांटे हैं तो समाजवादी लोगों ने लैपटॉप बांटे हैं। जो लैपटॉप चलाते होंगे जब ऑन करते होंगे तो नेताजी और हम ही दिखाई देते होंगे। पहले गलती हो गई लेकिन अब गलती नहीं होगी। सब्सक्राइब कीजिए हमारे डायनामाइट न्यूज चैनल को और दबाइए इस बेल आइकन को ताकि आपको मिल सके हमारे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले।